हाय गाइस, मैं कश्यप, मेरे केटीडी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। हमने अभी फिलहाल जनवरी महीने में 26 तारीख को प्रजातंत्र दिन मनाया, लोकतंत्र दिन मनाया, लोकराज्य गणराज्य। क्या वाकई में हम इस लोकतंत्र में रहते हैं? लोकतंत्र गणराज्य मतलब लोगों की सत्ता, प्रजा सत्ता के दिन कहते हैं इसे। वाकई में हम लोगों की सत्ता है। हमने अभी कुछ दिनों में मैंने देखा कि राशन के दुकान पर लोग जाते हैं अनाज लेने के लिए, और राशन लेने के लिए सब मजदूर लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं वो लोग जाते हैं, और वो लोग काम कर अपने हाथ की लकीरें तक का काम करते करते मिट जाती है, थंब के फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं। अगर वो लोग राशन के दुकान पर जाते हैं तो वहाँ बायोमेट्रिक रखा है थंब लेने के लिए। वो थंब पर अगर उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते, उनके निशान नहीं आते अंगूठों के, तो राशन वाला कहता है कि आप लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा, आप जाओ तलाटी कार्यालय जाओ, तहसील कार्यालय जाओ। और वो इंसान, जीता जागता इंसान जो सामने खड़ा है, जिसके हाथ के निशान काम करते करते मिट गए, उसके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो अनाज के लिए तहसील कार्यालय में जाता है और वहां पर गुहार लगाता है सरकार से और कहता है कि मेरे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो मुझे अनाज नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में जनवरी महीने पास से सभी को फ्री अनाज दिया जाएगा। तो कितने लोगों को सही में अनाज फ्री मिल रहा है? जो लोगों को मिल रहा है उन्हें बहुत अच्छा, मगर जिन लोगों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, इन गरीब लोगों का क्या? इनके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। अभी प्रजा की सत्ता है तो प्रजा सुखी समृद्धि चाहिए, प्रजा सुखी समृद्धि चाहिए, खुशहाल चाहिए। लेकिन इस देश की कितने परसेंट ऐसी जनता है आप मुझे कमेंट में बताइए जो सुखी है के दुखी है या भूखी है, आप कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान।